टेस्ट इसका एकदम औसम है भाई। 65 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है इनके यहाँ पर छोले भटूरे बनते हुए और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। तो भाई मैंने तो सोचा आकर के ट्राई कर लेता हूँ और मैं एकदम संतुष्ट होकर के जा रहा हूँ, एकदम सेटिस्फाई होकर के जा रहा हूँ। टेस्ट लाजवाब और जो प्रिपरेशन है वो भी एकदम गजब थी। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम शशांक याग्निक है। भाई मौसम तो बरसाती चल रहा है, मानसून सब जगह आ चुका है और बरसात में अगर आपको छोले भटूरे खाने के लिए मिल जाएँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो भाई आपको छोले भटूरे के वीडियोस में कई बार दिखा भी चुका हूँ, लेकिन आज मैं एकदम स्पेशल जगह पर आया हुआ हूँ। यहाँ के छोले भटूरे जो हैं वो 65 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जल्दी से आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से यहाँ छोले भटूरे बनाए जा रहे हैं और यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं। तो इन्जॉय करिएगा इस वीडियो को, अगर पसंद आए तो उसको प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा आपको छोले भटूरे कैसे लगते हैं और ये वीडियो आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब इन्जॉय कीजिए आप आगे का वीडियो। तो जी ये है भगत स्वीट हाउस और यहाँ के जो मैनेजर हैं इस समय वो हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है, हमने एक वीडियो यहाँ ऑलरेडी बना लिया है, छोले भटूरे भी सुना है यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दिन भर में अगर देखा जाए तो कितने पीस निकलते, कितना प्लेट निकलती होगी? समथिंग 400-500 प्लेटें पर डे निकलती है। 400-500 प्लेट एक दिन में निकल जाती है? कितने बजे से कितने बजे तक चलती है अपनी शॉप? सुबह 8 से स्टार्ट होता है मॉर्निंग में और रात को नाइट को वही 8-8:30 तक रहता है। तो सिर्फ छोले भटूरे या छोले भटूरे लस्सी का कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर? लस्सी गर्मियों में सबसे ज़्यादा फास्ट रहती है, सर्दियों में थोड़ा सा स्लो होता है मौसम के अनुसार में, और छोले भटूरे तो कंटिन्यू रहता है 12 महीने। अच्छा, तो जल्दी से एक प्लेट छोले भटूरे खेल रहे? जी बिल्कुल, बैठिए सर बैठिए। तो एकदम बड़े साइज का भटूरा आ चुका है कढ़ाई के अंदर और आप देख सकते हैं भाई एकदम फूल चुका है भटूरा, बहुत गजब। ये आ गया ये एक पीस और अब बनेगा ये दूसरा पीस। ओ भाई एकदम गर्मा गर्म और आप देख सकते हैं भाई एकदम फूल चुका है दूसरा भटूरा भी। तो ये एक भटूरा ये रहा और दूसरा भटूरा ये आ गया है, अब इनको सर्व करने की तैयारी। क्योंकि प्लेट में आ नहीं रहे ये दोनों भटूरे जो हैं, बहुत गजब। अच्छा छोले आप देख लीजिए जो हैं वो डार्क वाले जो छोले रहते हैं ना वो हैं ये, ठीक है। तो जी अब बारी है इन छोले भटूरे को ट्राई करने की और आप देख सकते हो भाई साइज भटूरे का जो है प्लेट में भी नहीं आ रहे हैं दोनों भटूरे, है ना। तो आप जल्दी से करेंगे इनको ट्राई अपन और उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके रिव्यू दूंगा कि यहाँ के छोले भटूरे हैं कैसे। तो भाई सबसे पहले तो ये भटूरे को हम फोड़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि अंदर से थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और उसके बाद लेंगे हम इसमें से एक बाइट। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है भटूरा जो है और छोले जो हैं, अब करेंगे उनके साथ में भटूरों को टेस्ट। एकदम शानदार लग रहा है स्वाद जो है ये छोले भटूरों का, भटूरे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और छोले जो इसके साथ में है ना एकदम मतलब जो पंजाबी स्टाइल वाले छोले बनते हैं ना वैसे इसका स्वाद आ रहा है, एकदम गजब गजब टेस्ट है इसका।
फिर बरसाती मौसम में अगर आपको ऐसे छोले भटूरे खाने के लिए मिल जाएँ तो फिर मज़ा ही क्या है। तो भाई अगर आपको भी ये छोले भटूरे ट्राई करने तो आपको आना खाएँ रायपुर में भगत स्वीट हाउस जो है राज टॉकीज जो रायपुर में जैसन चौक पर है उसके ठीक बाजू में, वहाँ आ जाइए और आप ट्राई कर सकते हैं छोले भटूरे। कीमत की बात करूँ तो एक प्लेट की कीमत है 80 रुपये, लेकिन जो चीज़ है एकदम टिकाऊ है और टेस्ट इसका एकदम औसम है भाई। 63 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है इनके यहाँ पर छोले भटूरे बनते हुए और बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। तो भाई मैंने तो सोचा आकर के ट्राई कर लेता हूँ और मैं एकदम संतुष्ट होकर के जा रहा हूँ, एकदम सेटिस्फाई होकर के जा रहा हूँ। तो भाई आप भी जल्दी से आ जाइए, ट्राई कर लीजिए छोले भटूरे, टेस्ट लाजवाब और जो प्रिपरेशन है वो भी एकदम गजब थी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, आप कमेंट करके भी जल्दी से बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और पसंद अगर आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए और यहाँ आकर के छोले भटूरे का आप भी मेरी तरह आनंद लीजिए।